Hello students, so we have started with our new topic, that is mechanical property of fluid. दो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है इस टॉपिक के, ये लेक्चर नंबर है 3. लेक्चर नंबर 3 में आज के जो आगे के टॉपिक होंगे, जिसमें हमें आज हाइड्रोस्टैटिक जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करूंगा, और नेक्स्ट टाइम से इसका जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा उसमें सरफेस टेंशन स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट. हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. तीन टॉपिक में आज डील करूंगा. सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, फिर इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर, दैट इज नंबर 1 मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड ओपन ट्यूब मैनोमीटर. ओके, तो सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, देखिए समझिए. पहले मान लिया तीन बीकर्स ले लेता हूं, तीन नहीं, मैं अलग अलग शेप के बीकर ले लेता हूं, चार बीकर. दिस इज बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2, बीकर नंबर 3, एंड दिस इज बीकर नंबर 4. क्लियर, ये चारों बीकर्स इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, इनर कनेक्टेड लाइक दिस. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी. ओके, अब क्या करना है, किसी एक बीकर में मैं लिक्विड फील करता हूं, होगा क्या, मान लिया इसमें मैंने लिक्विड फील किया, तो ये लिक्विड यहां स्प्रेड होगा, बिकॉज ऑफ दिस यहां स्प्रेड होगा, मींस अप टू दिस हाइट, इसमें भी अप टू सेम हाइट, इसमें भी अप टू सेम हाइट, इसमें भी अप टू सेम हाइट. द लिक्विड लेवल राइजेस इन ईच एंड एवरी वेसल रिमेन द सेम. ओके, अब देखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता है. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का स्टेटमेंट ये था कि किसी भी शेप का बीकर हो, बट उसमें अगर लिक्विड का टाइप सेम है तो उसमें जो लिक्विड का हाइट होगा वो सेम होगा. दैट मींस प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. क्लियर, क्या एक लिक्विड, पास्कल लॉ क्या बोलता है पहले कि प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, कॉन्स्टेंट होगा सेम लिक्विड के लिए. ये लिक्विड सेम है, तो यहां पे ये लिक्विड अगर मैं यहां पे फिल कर रहा हूं तो यहां इतना ऐसे प्रेशर अप्लाई करेगा, ये प्रेशर ऐसे अप्लाई करेगा, यहां पे प्रेशर ऐसे, यहां पे प्रेशर ऐसे, यहां पे प्रेशर ऐसे, यहां पे प्रेशर ऐसे. दैट मींस प्रेशर आर ऑलवेज लाइक दिस. क्या प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है? यस, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट. अगर प्रेशर कांस्टेंट है बेटा तो एच रो जी इज ऑल्सो कांस्टेंट. यहां पे रो एंड जी, रो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी. जी क्या है, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा. इट आल्सो रिमेंस कांस्टेंट. अगर एच कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एच भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा. दैट मींस हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन ईच एंड एवरी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन ईच एंड एवरी बीकर रिमेन द सेम. ये एक पैराडॉक्स था जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मींस व्हाट, द हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इन ईच एंड एवरी कनेक्टेड वेसल, द हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इन ईच एंड एवरी वेसल रिमेन द सेम, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेसल. इसका बेस क्या है, कम है, इसका बेस क्या है, अलग है, इसका बेस अलग है, लेकिन इसका बेस अलग है, सबका बेस का एरिया जो है वो अलग है, बट सब में जो लिक्विड लेवल हाइट पे राइज हो रहा है वो क्या है, अलग है. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेशर एरिया, प्रेशर जो होगा लिक्विड का उसका फॉर्मूला एच रो जी होगा, वो एरिया पे डिपेंड नहीं होता है, एरिया ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं होता है. क्लियर है ना, दैट मींस एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल, एरिया ऑफ द वेसल, in each and every cases area of the vessel are different. Suppose I will feel the liquid from here, it will rise in this, in this, in this, in all three beakers,
and they will attain the same height. It does not depend on the shape of and area of cross section. तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का सिंपल मीनिंग ये था बेटा कि जो भी लिक्विड लेवल होता है उसका हाइट क्या होता है, जो भी लिक्विड लेवल है उसकी हाइट बीकर में क्या होगी, सेम होगी. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. इज इट क्लियर? ओके, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आप मेरे इनबॉक्स में मुझे मैसेज करिए, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं. ठीक है, अगला टॉपिक दैट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बाद जो टॉपिक है वो है मर्क्यूरी बैरोमीटर. व्हाट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर? सिंपल, इट इज अ डिवाइस, जैसे इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैं बोलता हूँ टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर चाहिए, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कोई तो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वैसे ही प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है उसका नाम होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर. ठीक है, वी हैव इन्वेंटेड टू इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज टू मेजर द प्रेशर. ठीक है, तो व्हाट इज प्रेशर गेज? पहले होता क्या, पहले वो समझिए. प्रेशर गेज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इट्स कॉल्ड एज प्रेशर गेज. हम लोग के पास दो प्रेशर गेज है, दो प्रेशर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट है. उसमें से पहला हम लोग देखते हैं जिसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर. नंबर वन, मर्क्यूरी बैरोमीटर. मर्क्यूरी बैरोमीटर होता क्या है, देखिए इसका डायग्राम. एक वेसल है, इट इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी. ओके, so what is mercury barometer? Mercury barometer is a device which is used to measure the atmospheric pressure. Mercury barometer hota kya hai? Barometer is a device which is used for what? Used to measure atmospheric प्रेशर. ओके, किसने इन्वेंट किया था इसको? तो इसको जिसने इन्वेंट किया था उस साइंटिस्ट का नाम था टॉरिसेली. ठीक है, दिस डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट टॉरिसेली. ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली. अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है. व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? क्या क्या होता है इसमें? नंबर वन, इट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर विच इज फिल्ड विद मर्क्यूरी. अ डिश, डिश बोल सकते हो या फिर बीकर बोल सकते हो, जिसमें मर्क्यूरी भरी हुई है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर और अ डिश विच इज फिल्ड विद मर्क्यूरी एज शोन इन डायग्राम. ओके, नाउ सेकंड,
इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, विच इज क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एंड ओपन एट अदर एंड. ये मान लो ऊपर से खुला हुआ है, ये नीचे से बंद है, लाइक ऐसे ये ट्यूब, ठीक है. अब ये ट्यूब की स्पेशल चीज क्या है कि इस ट्यूब की हाइट जो है वो 1 मीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर है. ये फिक्स पैरामीटर है इसके, ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है. दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद मर्क्यूरी. मैंने इसको लिया, इसमें फुल कर दिया, मर्क्यूरी को फुल कर दिया, फुल कर दिया ऊपर से लेके नीचे तक, एकदम फुल कर दिया है, ठीक है. दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, ठीक है. एंड इट इज इन्वर्टेड इन बीकर और डिश एज शोन इन डायग्राम. मतलब क्या किया मैंने, ये फुल किया, इसको लिया, इन्वर्ट किया और ये कुछ ऐसे इसको छोड़ दिया. बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द मर्क्यूरी, थोड़ा सा मर्क्यूरी लेवल क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा. ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मर्क्यूरी प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास ट्यूब, सम ऑफ द मर्क्यूरी स्पिल्स डाउन, थोड़ा सा मर्क्यूरी डाउन चले जाएगा, ठीक है. क्या बताया मैंने यहां पे, ड्यू टू weight of mercury, mercury in glass tube, some amount of it falls down in beaker, ठीक है. अब देखो जैसे ही यहां पे जाएगा, यहां पे जाके कुछ हाइट, लेट द मर्क्यूरी लेवल इन ग्लास ट्यूब इज अप टू हाइट एच, लेट द मर्क्यूरी लेवल इन ग्लास ट्यूब रीचेस टू हाइट कितना बेटा, एच, एज शोन इन डायग्राम. अब देखो यहां से, अब मैं इसके बारे में बताता हूं कि वर्किंग कैसे होती है. मान लिया जाए, 3 पॉइंट्स ले लेता हूं मैं. मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी. लेट ए बी अ पॉइंट इनसाइड द ग्लास ट्यूब, इनसाइड द ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब के अंदर है और कहां पे, ऑन द अपर लेवल. बी बी अ पॉइंट इनसाइड द ग्लास ट्यूब ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. सी इज द पॉइंट आउटसाइड द ग्लास ट्यूब ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. कौन सा लिक्विड है, इट्स अ मर्क्यूरी, ठीक है. लेट ए बी अ पॉइंट इनसाइड ग्लास ट्यूब ऑन द अपर लेवल ऑफ मर्क्यूरी. बी बी अ पॉइंट इनसाइड ग्लास ट्यूब ऑन द सरफेस लेवल ऑफ मर्क्यूरी, लेवल ऑफ मर्क्यूरी. सी बी अ पॉइंट आउटसाइड ग्लास ट्यूब, आउटसाइड द ग्लास ट्यूब एंड ये बाहर है और ऑन द सरफेस लेवल ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ
मर्क्यूरी। ओके आगे देखिए, अब क्या बता रहा हूं ध्यान से समझना, ये सब कंस्ट्रक्शन वर्किंग में सब लिखा रहा हूं। अब देखिए ये जो लेवल है मर्क्यूरी का, ये लेवल यहां पे आके थोड़ा सा आके रुक गया है। अच्छा होता क्या, देखिए जैसे ये लेवल यहां से आके यहां पे रुक जाएगा तो यहां पे क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। वहां पे क्या होंगे, वहां पे गैस पार्टिकल्स होंगे। कौन से गैस पार्टिकल, मर्क्यूरी के प्लाज्मा, है ना। तो मतलब यहां पे कुछ नहीं है, तो यहां पे प्रेशर क्या है हम लोग का, यहां पे प्रेशर कितना है हम लोग का, जीरो। क्या क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। इस वैक्यूम का नाम होता है टॉरिसेलिस वैक्यूम। यहां पे प्रेशर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जीरो, क्योंकि वहां पे क्या कोई एयर है, आंसर इज नो। तो वहां पे क्या है, मर्क्यूरी के वेपर्स हैं, मर्क्यूरी के वेपर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो हम लोग ने कंसीडर कर लिया जीरो, और उसको टॉरिसेली ने नाम क्या दिया, टॉरिसेली वैक्यूम, बिकॉज वहां का कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे प्रेशर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ग्लास के ऊपर कौन है, एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है किसके ऊपर, ग्लास के ऊपर। इट्स अ सॉलिड सर्फेस, सॉलिड सर्फेस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, बट ये प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए यहां पे जो प्रेशर है दैट विल बी कंसीडर्ड एज जीरो। द प्रेशर ऑन द अबव ऑफ पॉइंट ए इज जीरो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी vapors and it is called as Torricelli's vacuum. Okay, therefore pressure at point A is equal to kitna aa gaya aapka, zero. Pressure at point A kitna hai, zero. Now the next, number 5. Ab dekhiye thoda sa explanation samjhiye pehle, bataiye yahan pe pressure kitna hoga, यहां पे कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सो ऑन दिस पॉइंट ये सब पॉइंट पे प्रेशर क्या होना चाहिए, एयर का प्रेशर होना चाहिए। यहां पे नहीं, थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना एकदम। यहां पे प्रेशर कितना, एयर का। यहां पे प्रेशर कितना, एयर का। क्यों, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन एटमोस्फियर। द प्रेशर एट पॉइंट सी इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमोस्फियर। सी पॉइंट पे जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो कौन अप्लाई कर रहा है, एटमॉस्फियर अप्लाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं सी के नीचे जाऊं तो वहां पे किसका प्रेशर है, मान लिया कि मैंने सी के यहां से यहां पहुंच गया तो इस पॉइंट पे किसका प्रेशर है, इस पॉइंट पे एयर का भी प्रेशर है, प्लस इतने जो मर्क्यूरी के कॉलम्स है उनका भी प्रेशर है। अच्छा मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं तो यहां पे मैं बोलूंगा एयर भी प्रेशर अप्लाई कर रही है, प्लस इसके ऊपर जितने मर्क्यूरी कॉलम्स है वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। That means, यहां पे जो टोटल प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर है, ओके। हियर प्रेशर एट पॉइंट सी इज ड्यू टू प्रेशर अप्लाइड बाय कौन, एयर कॉलम्स, एयर कॉलम्स। ओके व्हाट अबाउट प्रेशर एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे कितना प्रेशर होगा। देखो बाय पास्कल लॉ प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट बी आर इक्वल। क्यों, क्योंकि जितना प्रेशर यहां पे होगा क्या लिक्विड में हर जगह प्रेशर उतना ही होगा, बराबर ना। पास्कल ने क्या बोला था, किसी भी लिक्विड में प्रेशर हर जगह क्या होता है, सेम होता है। तो जितना प्रेशर पॉइंट सी पे होगा उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पे होना चाहिए, बराबर ना। लेकिन पॉइंट बी पे टोटल प्रेशर कितना बेटा, पॉइंट बी पे टोटल प्रेशर है एक तो ये सी वाला, प्लस क्या इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, एयर, और इसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, मर्क्यूरी। तो प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस एच रो जी। वापस से क्या बताया मैंने कि सी पॉइंट पे जितना प्रेशर है उतना पॉइंट बी पे भी होना चाहिए, सही बात है, आंसर इज यस। लेकिन क्या पॉइंट बी पे उतना ही प्रेशर होगा, आंसर इज नो। क्यों,
उतना ही होता जब ये ट्यूब ना होता, जब इसके ऊपर वाला ये पार्ट ना होता, तो सी और बी पे प्रेशर क्या होता, सेम होता। मान लो कि सिर्फ ऐसे मर्क्यूरी लेवल होता तो सी और बी पे प्रेशर क्या होता, सेम होता, जब ऊपर कोई मर्क्यूरी का ट्यूब प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मर्क्यूरी का ट्यूब प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आर इक्वल, बट प्रेशर एट पॉइंट बी थोड़ा सा और ज्यादा। ये पास्कल लॉ से हुआ, कितना ज्यादा है, ये हाइट का जो मर्क्यूरी कॉलम प्रेजेंट है उतना और ज्यादा है। यस और नो, क्लियर? दैट मींस कि प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, प्रेशर एट पॉइंट सी प्लस एच रो जी। क्लियर है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कहां पे वैक्यूम में, ये कहां पे एयर में। प्रेशर एट पॉइंट सी एंड प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों? बाय पास्कल लॉ। बट प्रेशर एट पॉइंट बी प्रेशर एट पॉइंट सी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेशर एट पॉइंट सी प्रेशर एट पॉइंट बी तब सेम होता जब ये नहीं होता। दैट मींस प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी इज गिवन एज व्हाट, प्रेशर एट पॉइंट बी will be equal to किसका किसका प्रेशर, एक तो कौन अप्लाई कर रहा है, h rho g that is लिक्विड कॉलम अप्लाई कर रहा है, और एक कौन अप्लाई कर रहा है, पॉइंट a अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट a अप्लाई कर रहा है और एक पॉइंट ये h rho g अप्लाई कर रहा है, that is प्रेशर एट पॉइंट a प्लस h rho g। बट what is the प्रेशर एट पॉइंट a, it is equal to zero, therefore pressure at point B कितना मिल गया बेटा, h rho g। अब देखो तुम लोग का आ गया आंसर परफेक्ट। That means pressure at point B अगर निकालना है तो वो प्रेशर कितना है, एक तो ये जो वेपर्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं वो, प्लस ये जो हाइट का लिक्विड कॉलम है वो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल प्रेशर जो होगा वो इस पॉइंट पे होगा, और वही प्रेशर पॉइंट सी के भी इक्वल होगा। वापस से एक बार मैं वापस से रिकरेक्ट करता हूं जो यहां पर मैंने स्टेटमेंट, एक आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान से सुनना। अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट बी और सी की बात करूं तो पास्कल लॉ क्या बोलता है कि दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। परफेक्ट बात है, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी होना ही चाहिए। क्यों? पास्कल लॉ बोलता है कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। सही बात है, प्रेशर एट पॉइंट बी एंड सी इक्वल है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड प्रेशर एट पॉइंट सी, फाइंड द प्रेशर एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी को अगर मैं देखता हूं तो पॉइंट बी पे दो प्रेशर, कौन कौन, एक तो इतना मर्क्यूरी उसका प्रेशर कितना, एच रो जी, प्लस उसके ऊपर कौन, वेपर्स, तो वेपर्स का प्रेशर क्या, पी एट पॉइंट ए। बट हम लोग ने टॉरिसेली ने बोला ये जो प्रेशर है वो वैक्यूम का प्रेशर है, वैक्यूम का प्रेशर दैट मींस वेपर्स का प्रेशर, वो प्रेशर टॉरिसेली ने बोला जीरो होता है। तो अगर मैं प्रेशर एट पॉइंट ए को जीरो रखूंगा तो प्रेशर एट पॉइंट बी कितना मिलेगा, एच रो जी, बराबर है। लास्ट पॉइंट, प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट सी आर व्हाट, इक्वल, देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल टू एच रो जी, एच रो जी। अच्छा, यहां पे रो क्या है, इट्स अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट इज जी, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज एच, इट्स अ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, तो प्रेशर कितना मिला हम लोगों को पॉइंट सी पे, बेटा एच रो जी मिला। ठीक है, अब यहां पे हम लोग जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और पूरा सॉल्व करेंगे, एच का वैल्यू जो आता है ऑन सॉल्विंग we get h का वैल्यू that is 0.76 mm, 76 क्या होता है इसका फिक्स वैल्यू, सेवन सिक्सटी ऑफ 76 सेंटीमीटर, right? It's fixed, that is 76 सेंटीमीटर ऑफ hg, that is mercury। अच्छा, तो किसी के मन में ये सवाल आया कि वाटर को लेके क्यों नहीं कर सकते, देखो यहां पे मर्क्यूरी की डेंसिटी फिक्स है, मर्क्यूरी की डेंसिटी फिक्स है कितना, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी फिक्स है 9.8
वी हैव द एटमॉस्फेरिक वैल्यू 0.103 टू 10 टू 5 पास्कल, ये सब वैल्यू पुट अप करूंगा तो हम लोग को हाइट मिल जाएगी। ये सब वैल्यू रखने पे एक्सपेरिमेंटली जो हाइट मिली थी वो कितनी मिली थी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हाइट। तो किसी ने सोचा कि सर वाटर को लेके क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट वाटर को लेके क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, तो क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? फॉर वाटर देखो, अगर मैं वाटर के लिए देखने जाऊं तो प्रेशर क्या लेंगे, एच रो जी, डेंसिटी किसकी लेंगे, वाटर की। यहां पे प्रेशर कितना लिया, 1.013 into 10^5 व्हिच इज स्टैंडर्ड वैल्यू, डेंसिटी ऑफ द वाटर 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 9.8 H, और ये पूरा सॉल्व करने पे बेटा जो आपको आंसर मिलेगा 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली, कितना मिलेगा 10 मीटर, दैट मींस हाइट ऑफ द ट्यूब मस्ट बी 10 मीटर लॉन्ग। अगर 10 मीटर का ट्यूब बनाना पड़ा तो सोचो उसमें 10 मीटर की हाइट होगी तो सोचो ट्यूब कितना बड़ा होगा, 10 मीटर बहुत ज्यादा होता है बेटा, है ना, एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग होती है 10 मीटर की अप्रोक्सीमेटली देखने जाए तो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली कभी वाटर को नहीं लिया, वाटर को इसके लिए नहीं लिया कि वाटर के लिए जो हाइट ऑफ द कॉलम राइज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दैट विल बी अराउंड 10 मीटर एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक द इंस्ट्रूमेंट हैंडल द इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसके लिए हम लोग ये जो एंटायर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो किसको लेके करते हैं, मर्क्यूरी को लेके करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रेशर गेज एंड द सेकंड वन इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये क्या यूज कर रहे थे हम लोग, दिस इज यूज फॉर व्हाट, दिस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द सेकंड वन इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट और प्रेशर गेज विच इज यूज टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस। अगर प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। कैसा होता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब लाइक दिस, ये कुछ ऐसा यहां पे पॉइंट डी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, समझिए पॉइंट बी ले लेते हैं हम लोग इसको और इसके ऊपर पॉइंट ए ले लेते हैं। अब देखो पहले होगा क्या, अगर मान लिया कि ये भी हम लोग का ओपन है और ये भी हम लोग का ओपन है, बोथ आर ओपन, देन होगा क्या, यहां पे क्या हम लोग का एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है, यहां पे कौन प्रेशर अप्लाई कर रहा है, एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है, अंदर हम लोग ने कोई लिक्विड रखा हुआ है, मान लिया हमने मर्क्यूरी से एक्सपेरिमेंट किया, ये वाला भी कुछ भी फील कर सकते हैं बट मर्क्यूरी इज बेस्ट बिकॉज वी रिक्वायर लेस हाइट फॉर इट, ठीक है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब विच इज कनेक्टेड विद अ चेंबर, सर्कुलर चेंबर एज शोन इन डायग्राम। टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस फर्स्ट वी नीड टू फिल द यू ट्यूब विद अ लिक्विड of a particular density. Like A, B, C, D are the points in a such a way that A lies within the tube, present in the air, B lies on the surface of the liquid, C lies on the surface of the liquid and D lies within the chamber, circular chamber. पहले initially मान लिया, initially the pressure at point B and C are equal because both are present in air. Now, अब इसमें मैंने क्या किया, कोई चीज भर दी, कोई फ्लूइड मैंने भर दिया जिसका प्रेशर निकालना है मेरे को विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, उसको इसमें भर दिया मैंने। अब क्या होगा, वो क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसका लेवल क्या होगा बेटा, इसका लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये यहां से जाके यहां पहुंच जाएगा, और इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये यहां से यहां पहुंच जाएगा, पहले यहां पे था बी पे, अब क्या हो गया यहां पे, तो मेरी हाइट कितना इंक्रीज हुई, पहले हाइट में डिफरेंस जीरो था, अब हाइट में डिफरेंस आ गया।
इनिशियली डी और सी पे प्रेशर क्या था? सेम था। बी सी पे प्रेशर सेम था, ए बी पे प्रेशर सेम था, क्योंकि दोनों तरफ एयर थी तो दोनों के प्रेशर सेम थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ फील कर दिया तो क्या हुआ, उस फ्लूइड ने क्या किया, इस लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई किया। बिकॉज ऑफ दिस ये लिक्विड क्या हुआ, नीचे गया, और ये लिक्विड क्या हुआ, ऊपर गया, और एक हाइट क्रिएट हुई। तो हम लोग ने क्या बोला कि प्रेशर एट पॉइंट जो डी है और प्रेशर एट पॉइंट जो ए है, उन दोनों में डिफरेंस है। कहां पे प्रेशर जा रहा है, अब डायग्राम से समझ जाएंगे कि अगर ये लिक्विड इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दैट मींस प्रेशर एट पॉइंट डी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू एच रो जी। सो दिस इज यूज्ड टू डिफाइन, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट द प्रेशर डिफरेंस। वी कैन कैलकुलेट, यहां पे कोई फ्लूइड भर दो जिसका प्रेशर आपको निकालना है, और यहां पे एयर के रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में इस फ्लूइड का प्रेशर कितना है, वो डिफरेंस मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर हाइड्रोस्टैटिक पार्ट, वी हैव डन विद द हाइड्रोस्टैटिक पार्ट। नेक्स्ट टाइम जब मैं लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करूंगा, दैट इज लेक्चर नंबर 4, उसमें स्टार्ट करूंगा सरफेस टेंशन। तो अगर आपने अभी तक मेरे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के लेक्चर्स को नहीं देखा है बेटा, तो आप लोग जाइए पहले लेक्चर नंबर 1, 2, और आज ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीट करिए, ताकि आगे जो लेक्चर स्टार्ट होंगे सरफेस टेंशन वो आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, कोई भी नोट्स की क्वेरी हो मेरे इनबॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वहां से आप मुझे व्हाट्सअप करके हर एक चैप्टर की नोट्स आप लोग मुझसे ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।